हाउस बिल्ल बिनशरजी बिस्मिल्लिम होव समीम होफ़ूर हो व्यार महमदूँ वाल महमदिन दरबार मामजादा अब्दुल्ल शाहतर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अल्लाम वर्क ड्राउन ख्वाब स्केरी वजन्स या स्केरी ड्रीम्स क्यों आते हैं ड्रोन ख्वाब आने की बहुत सारी वजूहत कन्विक्शंस दलाल हैं चंद एक हम कंसिडर कर लेते हैं ताकि आपको इससे रहनुमाई, गाजी की जूतियों के सद के हासिल हो जाए ड्रोन ख्वाब आने की दलील में जो एक बुनियादी फैक्टर जिससे हम शुरू करेंगे वो ये है कि वो लोग जिनको पेशाब रोकने की आदत होती है जो यूरिन की बगैर सो जाते हैं या जो रात में जब उन्हें पेशाब आता है तो उसे वो रोक लेते हैं उनको ये तकलीफ होती है कि उन्हें ड्रोने ख्वाब आते हैं वो लोग जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है कब्ज़ की शिकायत रहती है और मुसलसल गैस रहती है उनको भी ड्रोन ख्वाब आने की शिकायत होती है ड्रोन ख्वाब स्केरी ड्रीम्स उन लोगों को भी आते हैं जो बेनमाजी होते हैं ड्रोन ख्वाब उन लोगों को भी आते हैं जो अपनी जगह बदल बदल कर सोने के आदी हों ड्रोन ख्वाब उन लोगों को भी आते हैं जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा घने दरख्त हैं और वो अक्सर अपने आने जाने के रास्तों को बेवजू हालत में तय करते हैं इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे वरना बात बहुत डिफरेंट हो जाएगी सिर्फ उसकी अलामत बताने के लिए सेगमेंट किया है ताकि आपको समझ में आ जाए स्केरी ड्रीम्स क्यों आते हैं मैंने ऐसे लोगों की भी पेशेंट्स की स्केरी ड्रीम्स की शिकायत सुनी है और जब उनसे मैंने कुछ सवाल पूछे तो फिर हमें डिस्कवर हुआ आ, के वो कहते थे कि उनकी आदत थी कि हमेशा वो बेवज़ू हालत में जब उनके स्पेसिफ़िक डेज़ ख़वात के हुआ करते थे आ, वो पाक चीज़ को जैसे कुरान मजीद उसको टच कर लिया या उन्होंने छिपकली मार दी या उन्होंने नापाकी की हालत में आ, छुरी से को, कोई काम कर लिया तो ये वो चीज़ें थीं जो स्केरी ड्रीम्स का उनका सबब हुई मैंने उनको फिर बताया उन्होंने अब वो करना छोड़ दिया तो उनको ड्रोन ख्वाब आना भी चले गए खौफनाक ड्रोन ख्वाब मैंने ऐसी बच्चियों और ऐसे बच्चों के भी देखे उनकी शिकायत देखी जो कि सोने से पहले हमेशा किसी हादसे का सोच कर सोया करते थे फॉर एग्ज़ाम्पल जब इंसान सोने के लिए बिस्तर पर जाता है तो दिन भर की बातों को सोचता है आ, अपने वाक़ को सोचता है उसके जो सेंसटिव इशूज़ हुए थे उनको सोचता है तो वो लोग अपने बहुत ज़्यादा हादसा को सोच कर सोया करते थे इसीलिए सरकार ने फरमाया है कि बिस्तर पर जाने से पहले जो मखसूस दुआएँ हैं वो पढ़ कर सोना चाहिए तो शयातीन तुम्हारे नज़दीक नहीं आते फिर मैंने आ, ऐसे लोगों की भी ड्रोन ख्वाब की शिकायत देखी थी कि या तो जिनके बिस्तर नापाक होते थे या जिनके कपड़े नापाक होते थे तो नापाकी में तो रहना ही नहीं चाहिए ना सोना चाहिए ना जागना चाहिए ना लौटना चाहिए अगर आप के बस्तर पर नन्हे मासूम बच्चे हैं और वो आ, उनकी वजह से बस्तर ना नापाक हो जाता है तो ये आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप उस जगह को पाक रखें उस कमरे में नमाज़ें भी होनी चाहिए ना क्योंकि अगर वहाँ बच्चा पेशाब करता है और आप सफाई नहीं रखते और वहाँ नमाज नहीं पढ़ते तो वो शैयातीन आके उस बच्चे को तंग करेंगे तो कपड़ों का नापाक होना भी ड्रोन ख्वाब आने का बहुत ह्यूज फैक्टर है अब हम इन फैक्टर्स के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे कि ड्रोन ख्वाब के और कौन सी वजूहत हैं ड्रोन ख्वाब आने का जो और जो कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर है वो ये है कि कोई शैतान आपकी तरफ भेजा गया है आपको कोई काम करवाने के लिए अच्छा है बुरा है वो अलग है ड्रोन ख्वाब आना मुसलसल कंटिन्यूशन में इस बात की भी दलील है कि कोई कुछ आपसे मकसद हासिल करने के लिए किसी खास पर्टिकुलर वक्त में सनसेट के बाद सनराइज़ से पहले कोई पढ़ाई कर रहा है ड्रोन ख्वाब मुसलसल आना इस बात की भी दलील है कि किसी ने आपको हासिल करने के लिए किसी को कुछ पैसे दिए और वो चांद की चौदह पंद्रह और सोलह तारीख को एक खास जगह बैठ कर वो वजीफा पड़ता है उस खास मकसद के लिए वो मकसद हासिल करना भी हो सकता है आपको इंजरी पहुंचाना भी हो सकता है उसका वो मकसद हो सकता है कि जिससे वो जैलस है उसने उसके लिए उसको पैसे दिए हैं तो जब आप ड्रोन ख्वाब देखें तो इन डेट्स को ज़रूर देखें चौदह पंद्रह एंड सोलह 14, फिफ्टीन एंड सिक्सटीन ऑफ द द ल्यूनर कैलेंडर तो चांद की ये तारीखों को गौर से कंसीडर करना चाहिए ड्रोन ख्वाब आने की एक ये भी दलील है कि आपने कोई गुनाह कबीरा किया है और आपके माँ बाप बहुत नेक हैं क्योंकि अगर आपके माँ बाप भी मुजरम हैं फिर तो आपको ड्राउन ख्वाब नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप नेक हैं और आपने कोई गुनाह कबीरा कर लिया है गुनाह कबीरा बहुत वास्ट है तो आपको ड्राउन ख्वाब छोड़ेंगे नहीं जब तक आप उसका कफ़ारा नहीं कर देंगे लो महमदूँ वाल महमदिन बक्क़ गज़ी या गाज़ी यही जगह है जहाँ आपके लिए दुआ होती है